हेलो गाइस, मैं पंकज पालीवाल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है बीइंग एक्टर। आज मैं बेसिकली दो ही चीज़ों के बारे में बात करूँगा। एक तो जो ब्रीफ होता है एक्टिंग का वो आपको दूंगा, एक छोटा सा नॉर्मल सा ब्रीफ। एंड सेकंड, मैं आपको एक ऐसी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा जिसको फॉलो करके आप एक बहुत ही अच्छे, बहुत ही उम्दा एक्टर बन सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ बता देता हूँ कि मैंने कुछ शॉर्ट मूवीज़ किए हैं और थिएटर प्ले किए हैं। मैं भी एक एस्पायरिंग एक्टर हूँ, मैं एक एस्टेब्लिश्ड एक्टर नहीं हूँ। बट जब मैंने स्टार्ट किया था आज से अराउंड तीन साल पहले, तो मुझे बहुत सी प्रॉब्लम्स आई थी। मैंने बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस की थी जब मैं रिसर्च कर रहा था एक्टिंग के ऊपर। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक ऐसा चैनल, तो मैंने पहले से बना रखा था कुछ, आपको जो मैंने रिसर्च किया हुआ है वो आपके साथ मैं शेयर करूं, और इससे आपको पता चलेगा थोड़ा बहुत। अगर आप बिगिनर हो, आप सोच रहे हो कि मैं एक्टिंग में कुछ स्टार्ट करता हूं, तो बाकी आप भी रिसर्च कीजिए। और जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं उसके ऊपर कोई आपको क्वेश्चन हो या फिर आपका एक्टिंग से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन हो, आप मुझसे वो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं उसके पर वीडियो जरूर 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 बनाऊंगा रिसर्च करने के बाद। तो सबसे पहला जो मेरा पॉइंट था वो यही था कि एक शॉर्ट ब्रीफ अबाउट एक्टिंग। सो एक्टिंग के बारे में बेसिकली जो एक्टिंग है ये इसका मतलब होता है कि आप किसी भी चीज़ को, कोई भी सिचुएशन को, उसको आप करें, आप एक्ट करें। इसमें बहुत से लोग उसको, कुछ लोग मिमिक्री को भी एक्टिंग बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि किसी के जैसा कॉपी करो तो वो आपकी एक्टिंग हो जाता है। बट रियल वे में आप कह सकते हो कि एक्टिंग उसे कहते हैं जब आप किसी के बिलीफ को, किसी के आइडिया को आप अपने अंदर इतना हावी होने देते हैं कि आप उसको फील करने लग जाते हैं, ये एक्टिंग होता है। और जो एक्टिंग होता है ये बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक तो थिएटर एक्टिंग होता है और एक कैमरा एक्टिंग। इसके बाद इसके बहुत सारे फॉर्म्स, बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं इसमें, बट जो टू मेन कैटेगरी वो है थिएटर और कैमरा एक्टिंग। थिएटर एक्टिंग और कैमरा एक्टिंग में बहुत डिफरेंस है, बहुत 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 डिफरेंस है। हम लोग स्टार्टिंग में पता नहीं होता हमको कि थिएटर एक्टिंग हमें करना है या कैमरा एक्टिंग करना है। तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। थिएटर एक्टिंग में बेसिकली काफ़ी आपको लाउड करना होता है और चीज़ों को एक्सप्रेस करना होता है अपनी बॉडी लैंग्वेज से। आपके पास ऑडियंस होती है, वो आपको लाइव देख रही होती है, तो आपके पास इतना टाइम होता है कि आप एक ब्रिज बना सके ऑडियंस और अपने बीच में। और जो कैमरा एक्टिंग होता है इसमें काफ़ी कुछ आपको माइल्ड करना पड़ता है, काफ़ी कुछ आपको लाइट करना पड़ता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लाउड करोगे तो वो ओवर एक्टिंग में काउंट हो जाता है। तो ये होता है कैमरा एक्टिंग में, मेथड एक्टिंग आ जाता है, ग्रोटोवस्की एक्टिंग का फॉर्म आ जाता है, बहुत सारी फॉर्म्स उसमें। तो कैमरा एक्टिंग में जो हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं वो मोस्टली यही आती हैं कि आपको, आप जब, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो एक्टिंग तो आप किसी थिएटर से ज्वाइन करते हो या आप किसी इंस्टीट्यूट में जाते हो तो आपको क्लीशे एक्टिंग सिखाते हैं मोस्टली लोग, सारे नहीं, कुछ लोग अच्छे भी हैं। तो उसमें आपको ओवर एक्टिंग करना, डायलॉग को बहुत ही लाउड बोलना, ऐसे टाइप की चीज़ें सिखाते हैं। बट जो रियल एक्टिंग होती है उसमें आपको कुछ भी लाउड नहीं करना, कुछ भी ऐसा करना ही नहीं है, आपको बिल्कुल एफर्टलेसली करना है, जिसको हम एक कहते हैं एफर्टलेस एक्टिंग। इसमें एक फोकस एक्टिंग भी होती है, एक डिफोकस एक्टिंग भी होती है। फोकस एक्टिंग और डिफोकस एक्टिंग में एक बहुत ही मेजर डिफरेंस होता है। आप इरफान खान जो हमारे ग्रेट एक्टर हैं इंडिया के, उनको देख सकते हैं, वो डिफोकस एक्टिंग करते हैं बेसिकली। और आप ये एल पचिनो, इनको पढ़ सकते हैं। आप इन लोगों को पढ़ोगे तो आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें पता चलेंगी जो आपको लगेगा कि जो आपका जो डायरेक्टर है वो आपको बिल्कुल अपोजिट बता रहा है जो ये इतने बड़े बड़े लोग हैं इनसे। आप आई डोंट नो, आप अगर अभी स्टार्ट करें तो आप एल पचिनो को नहीं जानते होंगे, बट इज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर इन द यूनिवर्स, इन द यू नो, इस गैलेक्सी में कोई नहीं इनके जितना अच्छा एक्टर। बहुत 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 खतरनाक एक्टर है। स्कारफेस, गॉडफादर, ये सब मूवीज में इन्होंने काम किया है। तो आप जब इन्हें पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। इसके बाद एक बुक है नो एक्टिंग प्लीज, उसमें भी आपको ये सब बताया गया है कि आपको एक्ट नहीं करना है, आपको फील करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं और इसमें फिर एक्टिंग में यही होता है। अब आप मोस्टली
YouTube वगैरह में चेक करोगे, रिसर्च वगैरह जो भी लोग आपको बताएंगे, इसमें से 80% तो वो लोग हैं जिनका खुद का इंस्टीट्यूट है, तो वो आपको उसके अकॉर्डिंग कन्वे करते हैं कि आप उनसे बात कीजिए, चैट पे बात कीजिए, कमेंट में बात कीजिए, उसके बाद वो आपको सजेस्ट करेंगे कि आप ये इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लीजिए, वो इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लीजिए। आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए इंस्टीट्यूट होना ठीक है भी ज़रूरी, और मैं कहता हूँ इतना ज़रूरी भी नहीं है, बट आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आप ऑनलाइन पढ़िए, ऑनलाइन रिसर्च कीजिए कि क्या एक्टिंग होता है, कौन सी एक्टिंग होती है, कैसी होती है, क्यों होती है, तो आपको बहुत सी चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी कि हाँ हम लोग कहाँ गलत थे कहाँ नहीं थे। अब इसमें भी एक एक्टर होता है, एक स्टार होता है। अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तो आप कुछ चीज़ों को फॉलो करके, बहुत सी एक्सरसाइज होती हैं जिनको आप करोगे, घर पे भी कर सकते हो, इंस्टीट्यूट में भी कर सकते हो, उनको करने के बाद आपको बहुत कुछ पता चलेगा, ये आपको एक्टर बना सकती हैं। बट अगर आपको स्टार बनना है तो उसका कोई फॉर्मूला नहीं है। आज के टाइम में वैसे स्टार बनना मुश्किल है नहीं, अगर आपके पास पैसा अच्छा है तो। अब डिजिटल ज़माना है, सब कुछ आपका इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, सब पे पेड प्रमोशन चलता है, आप पैसा देखिए, तमाशा देखिए। तो यही है आपका, अगर आपको स्टार बनना है तो सॉरी, इसमें तो आपको पैसा चाहिए, बट एक्टिंग के लिए आपको पैसा नहीं चाहिए। इसमें थिएटर मोस्टली लोग क्यों नहीं करना चाहते, इसके पीछे रीज़न यही होता है कि पैसे का इशू आता है। बट टू बी वेरी फ्रैंक, जो आपको फील थिएटर में मिलेगी वो आपको कैमरा एक्टिंग में नहीं मिलेगी, क्योंकि कैमरा एक्टिंग थोड़ा बहुत चीटिंग का काम भी होता है, क्योंकि उसमें आप कोई सीन पहले, कोई सीन बाद में, बट जो थिएटर एक्टिंग है इसमें आपका कॉन्टिन्यूस चलता है, पूरा एक सीन चलता है। तो दोनों फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, थिएटर एक्टिंग भी, कैमरा एक्टिंग भी। अब वो आपके ऊपर है कि आप कौन सी करना चाहते हैं। इसमें एक्टिंग में तो इतना कुछ है कि मैं अगर 10 घंटे की वीडियो भी बनाऊंगा तो वो भी छोटी होगी, इसीलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ। मैं आपको जो ब्रीफ बताया इसमें आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी, कुछ चीज़ें नहीं भी समझ में आई होंगी, वो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और इसके अलावा भी आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट पे बता दूंगा, नहीं तो मैं एक अगर कुछ आपका बड़ा क्वेश्चन हुआ तो मैं आपको ये वीडियो बना सकता हूँ उसकी और बता सकता हूँ। तो मेरा जो मेन मोटिव है ये यही है कि मैं, जैसे मुझे प्रॉब्लम आई थी स्टार्टिंग में, वैसी आप लोगों को ना आए, क्योंकि जब मैंने रिसर्च करी तो मुझे ऑनलाइन, मैंने बताया आपको 80% वही था जो अपने इंस्टीट्यूट में लेना चाहते थे, तो ये सब। लेकिन लकीली मैं, मुझे एक बहुत अच्छे डायरेक्टर मिले जो NSG पास आउट में हैं, और अभी मैं उनके साथ एक शॉर्ट मूवी बना रहा हूँ, बहुत जल्दी वो लाइव होगी। तो यही सब चीज़ें, बाकी आप मुझे बताइए। और जो मैंने आपको बोला था कि ऐसी कौन सी चीज़ें जिसको आप फॉलो करके एक बहुत अच्छे, बहुत उम्दा एक्टर बन सकते हैं, वो यही है कि आपको प्रैक्टिस तो करना ही होगा, वो तो सब बोलते हैं कि प्रैक्टिस करो, बट उससे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको बहुत बार ऐसा लगेगा कि यार अब मुझे छोड़ देना चाहिए, अब मुझे नहीं करना चाहिए, तो आपको वो चीज़ निकालनी होगी। आपको होता है ना, आपको कंटिन्यू रखना पड़ेगा सब कुछ, आपको मैनेज करना पड़ेगा। अगर आपका सपना है कि मैं एक एक्टर बनूँ, तो आपको मैनेज करना आना चाहिए, आपको डटे रहना है, आपको पूरी मेहनत करनी है, आपको हार नहीं माननी है, क्योंकि एक्टिंग में ऐसा ही होता है, आपको अगर आप अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं तो आप एक्टिंग में अपना 100% नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपको कुछ अर्निंग भी चाहिए होगी, तो आप कुछ जॉब भी कर सकते हैं और साथ साथ एक्टिंग भी कर सकते हैं, और आपको ऐसा नहीं है कि डीमोटिवेट हो जाना है और आपको छोड़ देना है। आप साइड में आप थिएटर ज्वाइन कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, आप बहुत कुछ है करने को, छोटा छोटा कुछ ना कुछ आपका जब भी वीकेंड पे ऑफ होता है या फिर जब भी होता है, संडे होता है, आप कर सकते हो। और ये जो मैंने बताया ये बहुत ही छोटी चीज़ बताई, बहुत ही कम बताया है। आपको किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे कमेंट कीजिए या मुझे पर्सनल मैसेज कीजिए, आप कुछ भी कीजिए, मैं आपको 100% बताऊंगा, और आपको ही नहीं मैं उसकी वीडियो बनाऊंगा ताकि और लोगों को भी वो चीज़ें समझ में आने लगे। और जो मैं बोल रहा हूँ आप रिसर्च कर सकते हो, और यही है बाकी। तो अब नेक्स्ट वीडियो देखते हैं हम कब बनाते हैं। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो तो आप
वेट कर सकते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो का। और आप उससे भी अच्छा ये है कि आप मुझे सजेशन दे सकते हैं कि मैं किस टाइप की वीडियो बनाऊँ, या आपको क्या बताऊँ एक्टिंग के बारे में, या फिर मैं आपको ये बताऊँ कि कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए। बहुत सी चीज़ें हैं, आप बस कमेंट करना ना भूलिएगा। बाकी थैंक यू सो मच, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।